इंडिया में डायबिटीज के मरीज बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे बात करो पता चलता है कि शुगर है, बीपी की दिक्कत है, तो अब हाई टाइम आ गया है जब आपको अपने खाने पीने और लाइफस्टाइल का बहुत ख्याल रखना है। लेकिन अच्छा खाने के चक्कर में कहीं कुछ गलती मत कर देना। वेल दोस्तों, आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ और मैं हूं आपकी दोस्त सोनम। ये वीडियो आपके लिए ही है अगर आपको डायबिटीज है तो। अच्छी सेहत पाने के लिए हम ड्राई फ्रूट्स और मेवे खूब खाते हैं, लेकिन सावधान हो जाइए, ये आपके लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ सकता है और फिर क्या होगा आप तो जानते ही हैं। अगर नहीं तो आइए बताते हैं डायबिटीज के मरीजों को क्या खाना चाहिए। अक्सर हम इस बारे में बात करते हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज के मरीजों को क्या नहीं खाना चाहिए। तो आज हम दो एक ऐसी चीजें आपको बता रहे हैं ड्राई फ्रूट्स में जो आपको नहीं खानी चाहिए। पहला तो खजूर। खजूर मेरे पास अभी है। खजूर इस तरह से होता है, इसको हम चुवारे भी कहते हैं अगर वो सूखा हुआ हो तो। खजूर आपको बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, इसमें शुगर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है और इसमें जो ब्लड शुगर लेवल बढ़ाने की क्षमता है वो बहुत ज्यादा है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। ऐसे में डायबिटीज के मरीजों को खजूर अभी छोड़ देना चाहिए, और अगर आपके घर में छुआरे भी हैं तो उन्हें भी मत खाइए। और दूसरी चीज है किशमिश। इसमें ग्लूकोज काफी ज्यादा पाया जाता है और इसे लोग मेवे की तरह, ड्राई फ्रूट्स की तरह खाते हैं, जिस कारण बॉडी में ग्लूकोज लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में डायबिटीज के पेशेंट को किशमिश तो खानी ही नहीं चाहिए, और ये मीठी भी बहुत होती है, इसलिए इसको अवॉइड कीजिए। और भी कई चीजें हैं जिन्हें हमें नहीं खाना चाहिए, जिसे हम रेगुलरली खाते हैं, ब्रेकफास्ट में, कभी कभी डिनर में, लंच में यूज करते हैं। व्हाइट ब्रेड को भी हमें अवॉइड करना चाहिए। डायबिटीज के मरीज को अपने खाने पीने का ख्याल रखना चाहिए, जिसमें व्हाइट ब्रेड एक ऐसी चीज है जिसे खाना अवॉइड करना चाहिए। इसमें सबसे ज्यादा स्टार्च पाया जाता है, जो आपकी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, तो आज ही व्हाइट ब्रेड का नाश्ता करना बंद कर दीजिए। और दूसरा है चीकू। डायबिटीज के पेशेंट को फ्रूट्स में एक चीज हमेशा ही अवॉइड करनी है, वो है चीकू। इसमें बेहद ही मीठा होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए शुगर के मरीजों को चीकू नहीं खाना चाहिए। आलू जो हर घर में मिलता है, हर सब्जी में डलता है, ये शुगर के पेशेंट यानी कि डायबिटीज के मरीजों के लिए बहुत खतरनाक होता है। जितना कम हो उतना ही खाएं, अवॉइड ही करें तो ज्यादा अच्छा है, इससे आप सालों जिएंगे। आलू में हाई कार्बोहाइड्रेट होता है, साथ ही में इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी बहुत ज्यादा होता है। आलू खाने से ब्लड शुगर लेवल काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे हार्ट अटैक के खतरे भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपके लिए ये वीडियो था, और आपको जरूर इन बातों पर अमल करना चाहिए। क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, और कितनी किसकी क्या मात्रा होनी चाहिए, इस पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान देना है। साथ ही अपने लाइफस्टाइल में अगर आप योगा एक्सरसाइज इंक्लूड करते हैं तो आप काफी ज्यादा जी सकते हैं। लाइफस्टाइल को बेहतर करना ही आपका उद्देश्य होना चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल यानी कि एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि सबसे पहले आप तक पहुंच सके हमारी वीडियो।